गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, उसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ट्रेन में हमारी बिट्टू रानी उठ गई थी, तो वो गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग बोल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। बट ट्रेन की इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी कि उसमें बाबू की आवाज़ दब रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर साइलेंट करके वॉइस ओवर कर दिया है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि लाडो ने क्या बातें की है, आपको हम सुनवाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे इनकी बातें नहीं ख़त्म होगी, चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में यहाँ हमने पूड़ी, सब्जी, अचार और चटनी निकाली हुई है। मेरी लाडो को तीखा लग गया, उनका मुंह देखिए कैसे बनाई हुई है। तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, तब मिलते हैं। तो यहाँ लाडो की बात नहीं ख़त्म होगी और हम लोग पहुँच गए अपनी मंजिल पे, मतलब स्टेशन पे। तो यहाँ पे यार हालत ख़राब हो गई, देखो कैसे निकले थे और क्या बन गए। तो स्टेशन पे हम लोग यहाँ पे उतर गए थे और अब हम लोग वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का, मतलब भैया आ रहे थे हमारे, जेठ जी आ रहे थे, तो उन लोगों का उनका वेट कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए, तो चलिए यहाँ पर भैया भी आ गए, मतलब गाड़ी आ गई हमारी। ये देखिए गाड़ी आ गई, पति देव यहाँ पे सामान वान अब रखेंगे गाड़ी में। काफ़ी रात हो गया था, पता है, मतलब अंधेरा टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था कि मतलब 6-7 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे घर ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा धुंध पड़ा हुआ था। इसलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि गाड़ी के सामने बहुत हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। जम्मू में तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो चलिए अब हम लोग घर पे चलते हैं, तो वहाँ आप लोगों से बातें करते हैं। और ये देखिए गाड़ी में लाडो हमारी सो रही थी, बेचारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अब सो गई है, थक गई है। रात में हम लोग घर पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे कि फ़ोन उठाने की हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ बात की जाए, रिकॉर्डिंग की जाए। हम लोगों ने खाना पीना खाया और सो गए। ये हमारी सुबह की क्लिप है नहाने धोने के बाद, और ये मेरे रूम का लुक है। इसको मैंने सुबह अच्छे से पूरा क्लीन किया है और मैंने साड़ी पहन रखी है। जैसे आप लोगों को पता है कि गाँव में हम साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी में हम कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है और अब हम चलते हैं छत पे। ये शाम का समय है, हम जा रहे थे, हमारे कपड़े सूख गए थे कपड़े उतारने के लिए, तो छत का भी थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं। यहाँ पे बगल में भागवत हो रहा है, तो उसकी भी आवाज़ आप लोगों को आएगी। ये देखिए पेड़ पौधे ग्रीन पर बहुत ही लगेगा। अभी है शाम का टाइम समय और हम चलते हैं डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रात होने वाला है। तो आज देखते हैं अंदर चल के कि क्या बनाना है। वैसे आलू गोभी की सब्जी हम सोच रहे हैं, तो गांव में जैसी सब्जी बनती है हम वैसे बनाएंगे और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने आलू गोभी की सब्ज़ी कैसी बनाई है और डिनर की तैयारी करते हैं। तो चलिए
तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी तो सबको आती होगी, लेकिन गांव में थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। और चलिए हम वही बना रहे हैं, आलू गोभी की रसेदार सब्ज़ी, मतलब मसाले वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में गोभी को पहले फ्राई करके रख लिया है, इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर उसमें ही कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के और एक बड़े साइज के प्याज को बारीक कट करके हल्का सा भूनने के बाद इसी में आलू भी डाल देंगे। आलू को भी साथ में ही भूनेंगे, हल्का सा भूनना है। फिर इसमें डेली यूज़ किए हुए मसाले जैसे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, हल्दी और डेली जो मसाला डालते हैं वो थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम टमाटर और नमक भी डाल देंगे, ताकि उसी जो टमाटर का पानी निकलता है उसी से मसाला भुन जाए। और हाँ, यही है इसमें का मेन जो हम डाले हुए हैं हरा हरा, ये मतलब हरी धनिया और हरा लहसुन को पीस लिया गया है और इसको मसाले में ऐड किया गया है, इसलिए मतलब इसकी सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगता हो और ये ग्रीन कलर में रहती है सब्ज़ी। जैसे गांव में निमोना बनता है वैसे ही रहेगी सब्ज़ी का टेस्ट, बहुत ज़्यादा आता है। और इसको अब ढक कर हम थोड़ी देर के लिए मतलब भुनने के लिए छोड़ दिए थे, अच्छे से भुन गया है। फिर इसमें आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए, जैसा मतलब जितना आपको पानी चाहिए, ग्रेवी चाहिए उतनी इसमें पानी ऐड कर देनी है। तो अब इसको ढककर छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। फ्रेंड्स, तो हमारा डिनर हो चुका है और हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। बिट्टू आप मुझे बात करने दोगे? मम्मा बात कर ले थोड़ी सी, ओके? तो हम जैसे ही थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं तो इनकी बातें आ जाती है। ये देखिए मैं भी अंडे पोटैटो। तो ठीक है, अब ज्यादा बातें ना करते हुए, मतलब वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए, तो अभी हम लोग सोने की तैयारी करते हैं। यहाँ मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे, क्योंकि गांव है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर तो कोहरे अच्छे से पड़ रखे हैं। और मुझे तो पहना ओढ़ा आप लोगों ने देखे तो समझ ही रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सर्दी है। तनिशु मम्मा को बात कर लेने दो बेटो। तो अब मिलते हैं आप तो ये मुझे बातें नहीं करने दे रही, देखिए कभी हो गई, देखो बदमाश। तनिशु नीचे बैठो ना। नो बेटा, मम्मा को बातें करने दो ना, मम्मा को थोड़ी सी बातें कर ले प्लीज, ओके? कितने हो? ऐसे कैसे हैं बताएंगे वो, कमेंट्स करके बताएंगे। प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे हो, मेरी बेटी जानना चाह रही है। ये देखिए तो मिलते हैं अब सुबह मॉर्निंग टाइम। तो अभी गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चलो मिठी दो तो बोलो बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह, ओके, अच्छा बाय 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 बाय।